कैसा लगता है जब आपकी शादी को कुछ समय बीत गया हो और आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे बस एक ही सवाल पूछते हैं, खुशखबरी कब दे रहे हैं, और आपके पास एग्जैक्टली कोई जवाब नहीं होता है। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन लेकिन एक सीरियस इशू बन गया है आज की सोसाइटी में। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, आपकी डिसबैलेंस्ड लाइफस्टाइल, अल्कोहल या टबैको का सेवन, आपकी प्रॉपर नींद पूरी ना होना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना। तो क्यों ना आज हम इस वीडियो में उन सभी इश्यूज़ के बारे में बात करें, उन सभी कारणों को जानें और किस तरीके से उनको दूर कर सकते हैं और अपने इस फिजिकल इशू या फिर इमोशनल इशू को रिलीव कर सकते हैं। सो आई गरिमा गोयल वेलकम यू ऑल इन माई YouTube चैनल यो गरिमा। और आज का हमारा ये वीडियो उन सभी कपल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है जिनकी शादी को 2 से 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम निकल गया है और अभी तक दे आर नॉट एबल टू लिसन दैट ब्यूटिफुल नॉइज ऑफ देयर किड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि योग एक वो माध्यम है जो सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस को नहीं ध्यान में रखता है बट आपकी मेंटल फिटनेस, आपके इमोशनल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो जब वो सारे कपल्स जो इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल वीकनेस तो होती ही है पर साथ ही साथ उसके कारण उन्हें काफ़ी सारे मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या योग आपकी मदद कर सकता है इन सभी तकलीफों को दूर करने में? जी हाँ, डेफिनेटली येस। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ आसन और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस होता है, आपकी बॉडी में जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और आपको इमोशनल बैलेंस साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है और धीरे धीरे आपके सारे फिजिकल और इमोशनल इश्यूज सॉल्व होते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके, अपनी डाइट को प्रॉपर करके और अपना इमोशनल बैलेंस लाके उन सभी खुशियों को अपनाने का जिनके आप हकदार हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये हर तरीके से हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं उन सभी योगाभ्यास और प्राणायाम की प्रैक्टिस को और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने की कोशिश करें। हम अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगे अपने पहले योगासन से, बद्ध कोणासन, जिसे आप कॉमनली बटरफ्लाई पोस्चर के नाम से जानते हैं। तो इस आसन में आने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर लाएं, पंजों को आपस में मिलाएं, हील्स आपकी जुड़ी रहे, टोज आपके आपस में जुड़े रहें, अपनी फिंगर्स का क्लच बनाएं, अपने पैरों के पंजों को फिंगर्स क्लच से पकड़ें और धीरे से जितना आप मैक्सिमम अपनी हील्स को अपने साइड ला सकते हैं उतना लाने का अभ्यास, और कोशिश करें आपके नीज मैक्सिमम नीचे की ओर दबे रहें। अब स्पाइन को स्ट्रेट करें, इनहेल करें और अपने नीज को मूव करना स्टार्ट करें, अप एंड डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट इन दिस प्रैक्टिस। इस एक्सरसाइज के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को लिफ्ट करें, इनहेल करें, स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करें और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर बेंड करें। इसी पोजीशन में होल्ड करें, 3, 2, 1। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और आसन को रिलीज करें। बद्ध कोणासन आपके पूरे पैल्विक रीजन में बहुत ही अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट करता है, आपके जेनिटल्स को एक्टिवेट करता है और राइट टाइम आने पर आपके डिलीवरी को भी नॉर्मली करवाने की कोशिश करता है। सो इस आसन की प्रैक्टिस आप रेगुलरली करें। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आने के लिए सबसे पहले आप दंडासन में बैठें, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ आपकी थाइस के साइड में, आपके टोज आपकी बॉडी की तरफ फुल्ली स्ट्रेच्ड। नाउ इनहेल, रेज बोथ योर हैंड्स अप, स्पाइन को एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग दें और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी चिन को सामने रखते हुए नीचे की ओर जाएं एंड होल्ड करें।
3, 2, 1। धीरे से चेहरा ऊपर उठाएं, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और आसन से बाहर आएं। पश्चिमोत्तानासन इम्प्रूव्स फर्टिलिटी इन विमेन बाय गिविंग अ पॉजिटिव प्रेशर ऑन योर यूट्रस एंड ओवरीज। और ये आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी थाई मसल में भी एक अच्छा सा स्ट्रेचिंग देता है, जिससे डिलीवरी के टाइम आपको लेस पेन फील होते हैं। पश्चिमोत्तानासन को और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे योगासन के लिए, जिसे आप जानते हैं सेतु बंधासन या फिर ब्रिज पोस्चर के नाम से। इस पोस्चर में आने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है। अपने हाथों को रखें अपनी थाइस के साइड में। धीरे से इनहेल करते हुए अपने दोनों लेग्स को लिफ्ट करें और रखें हिप्स के मैक्सिमम क्लोज। पाम्स रहेगी जमीन की साइड। अब इनहेल करें और अपने हिप्स को मैक्सिमम लिफ्ट करने का प्रयास करें। अगर आप बिगिनर हैं तो जितना आपसे उठता है उतना ही कोशिश करें। एक्सहेल करते हुए धीरे से डाउन। एक बार फिर अभ्यास करेंगे और होल्ड करेंगे 3 काउंट्स तक। इनहेल, लिफ्ट योर हिप्स अप। नाउ होल्ड 3, 2, 1। स्लोली रिलीज, एक्सहेल एंड डाउन। अपने लेग्स को रिलीज करें और रिलैक्स करें। धीरे से एक तरफ करवट लेते हुए अपने आसन से बाहर आएं। ब्रिज पोज आपके पूरे पैल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। इवन ये पुरुषों में उनके स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इनफर्टिलिटी के इश्यू को रिलीज करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है सुप्त बद्ध कोनासन या फिर रिक्लाइंड बटरफ्लाई पोस्चर। उसके लिए आपको फिर से अपनी मैट पर लेटना होगा। धीरे से पीठ के बल अपनी मैट पर लेटे, अपने दोनों लेग्स को मैक्सिमम क्लोज लाते हुए अपने पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं, अपने हाथों को रखें अपनी इनर थाइस के ऊपर और रिलैक्स करें इस पोस्चर में। 3, 2, 1। आप देख सकते हैं इस पोस्चर में अगर आप रुकते हैं तो आपको अपनी इनर थाइस में, स्पेशली आपके पूरे पैल्विक रीजन में, एक बहुत ही अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है और वो आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और उनके हार्मोनल डिसबैलेंस को दूर करता है। धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करें, आसन को रिलीज करें, एक साइड करवट लें और मैट पर बैठ जाएं। इन सभी योगासनों के माध्यम से जब आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी जैसे इशू को दूर करने में, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ही बेसिक रीजंस में से हैं इनफर्टिलिटी के। तो देखते हैं किस तरीके से और किस प्राणायाम के माध्यम से आप अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अभी हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने थंब से अपने ईयर लोब को हल्का सा प्रेशर दें, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पे प्लेस करें, बाकी की तीनों फिंगर्स को धीरे से आँखों के रूट में प्लेस करें। आँखें बंद बिना किसी फिंगर्स के प्रेशर के इनहेल करें। भ्रामरी मतलब भंवरा, भंवरे के गुंजन की अब हमें ध्वनि निकालनी है, तो हमिंग साउंड से या ओमकार के उच्चारण से आप धीरे धीरे अपने प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे। इनहेल, अभ्यास के बाद अपने हाथों को ड्रॉप करें, आंखें बंद ही रखें और इस अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार दोहराएं एंड फील करें हमिंग साउंड के वाइब्रेशन को अपने ब्रेन की ईच एंड एवरी नर्व्स एंड न्यूरॉन्स में और उस मेंटल रिलैक्सेशन को फील करें, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को फील करें।
और किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं। तो आपने देखा, जब आपकी बॉडी फिजिकली स्ट्रांग होती है और मेंटली रिलैक्स होती है, तो फिर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एंड जैसा कि इनफर्टिलिटी एक सीरियस इशू बन गया है, बिकॉज इनफर्टिलिटी रेट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3.9% टू ऑलमोस्ट 16.8%। सो क्यों ना हम छोटे छोटे लाइफ स्टाइल चेंजेस करके, अपनी डाइट को मॉडिफाई करके और अपनी फिजिकल एक्टिवनेस को थोड़ा सा बढ़ाकर इस प्रॉब्लम को दूर करें और उन सारी खुशियों को स्वीकार करें जो ईश्वर ने हम सभी के लिए दी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर फेसिंग द सेम सिचुएशन, यू विल फॉलो ऑल दीज आसना एंड द मेडिटेशन प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन एंड टेक ऑल द बेनिफिट्स आउट ऑफ देम। एंड याद रखें, पॉजिटिविटी ही एकमात्र वो की है जिससे आप हमेशा हैप्पी और हेल्दी रह सकते हैं। सो बी पॉजिटिव इन योर माइंड। जो चीज़ थोड़ी देर से मिल रही है उसे उसी तरीके से एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप हर खुशियों के हकदार हैं। डेफिनेटली इट इज़ टेकिंग टाइम, बट इट विल डेफिनेटली कम टू यू वेरी सून। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी प्रैक्टिसिंग।